नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। विदेशी बाजारों में तेजी के बावजूद स्थानीय मांग कमजोर रहने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल तिलहन कीमतों में गिरावट रही है। हालांकि आयाती तेल महंगा होने से सोयाबीन, डिगम और पामोलियन तेल कीमतों में सुधार भी आया है। बाकी तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे हैं। बाजार की जानकार सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 1.6% और शिकागो एक्सचेंज में लगभग 1% की तेजी रही है। वहीं घरेलू मांग कमजोर होने से सरसों तेल तिलहन कीमतों में गिरावट आई है। सूत्रों ने कहा है कि विदेशी बाजार के मजबूत होने से सोयाबीन, डिगम और पामोलियन तेल कीमतों में मजबूत बनी हुई है, जबकि मांग ना होने से सीपीओ के भाव जस के तस रहे हैं। घरेलू मांग कमजोर रहने से मूंगफली तेल तिलहन, सोयाबीन तिलहन, सोयाबीन दिल्ली, सोयाबीन इंदौर और बिनौला तेल के भाव भी पूर्व स्तर पर बंद हुए हैं। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।